अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू BBSCSC मीडिया के आप सब बखैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में, कि ये वो गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जो कि इसकी डेट ख़त्म हो चुकी है और ये मैं टेस्ट दे के आया हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो का बताने का मतलब ये है कि नेक्स्ट टाइम जो भी अप्लाई करे तो उसको इस चीज़ के बारे में नॉलेज हो, ठीक है। तो ये है उसका डेटेड JIAP चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची मॉडल कस्टम कलेक्ट्रेट ऑफ चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची, ठीक है। जो उसकी वेबसाइट है और उसकी जो हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको चलता हूँ लड़के की तरफ, ताकि आप लोग आइडिया दें, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट जॉब आई हुई थी, तो जिन लोगों ने अप्लाई किया उनके लिए लेटर आया होगा, ठीक है। तो मैंने 3 पोस्ट पर अप्लाई किया था, जिसमें से अभी एक लेटर आया, उसमें वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो उसका जो नाम है वो है स्टेनोटाइप, ठीक है। अब ये क्या होता है, ठीक है। तो वीडियो बनाने का मकसद यही होता है, नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियो देखे या मैं आपको देखो तो मुझे याद है कि मैं क्या देख रहा था लास्ट टाइम, और जितने भी ऑडियंस है जो नेक्स्ट टाइम में टेस्ट देंगे, उनके हर साल वैकेंसीज आती हैं, तो जो भी अप्लाई करें तो उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि इस टेस्ट में होता क्या है, ठीक है। तो JIAPS का नाम है सब्जेक्ट का, ठीक है, और कस्टम कलेक्ट्रेट पूरा नाम है इसका, ठीक है। तो इसकी अपनी दो वेबसाइट और दूसरी वेबसाइट इसकी रेट की है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ मैं सब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे मैंने अप्लाई किया था लेटर आ गया, तो आप ये मेरा टेस्ट देख सकते हैं, 17 जनवरी का मैं टेस्ट देख के आया हूँ, 21% है, ठीक है। तो इस टेस्ट में होता क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ इस टेस्ट में मॉडल कस्टम यानी कि कस्टम हाउस में मेरा टेस्ट था, ठीक है। ओल्ड कस्टम हाउस, अब न्यू कस्टम हाउस बन चुका है, ठीक है। तो ओल्ड कस्टम हाउस में मेरा टेस्ट था, ठीक है। और वहाँ पर प्रिकॉशन ये थी कि आपको जो है सेल्फ ना अलाउ नहीं करते, ठीक है। तो मसला ये था कि आप किसी को भी लेके किसी के साथ लेके आए या फिर सेल्फ छोड़ के आए, वहाँ मसला ये था कि सेल्फ अलाउ नहीं कर रहे थे और आप इसकी मामला था, ठीक है। कुछ लोगों के मोबाइल चोरी भी हो गए थे, तो ये एक इशू रहता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ख्याल करें। और दूसरा ये कि आपको पैन लेकर साथ जाएँ, ठीक है। कैन लेकर भी जाएँ, पैन अलाउ हो या नहीं हो, हर टेस्ट में अगर आपको पता हो टाइपिंग टेस्ट हुआ, आप पैन लेके जाएँ, मेजोरिटी लड़के पैन लेकर नहीं आएंगे, ठीक है। तो आप पैन लेके आएँ, तो कुछ जगह ऐसी होती है वहाँ आपको पैन नहीं मिलता। स्टेनोटाइपिस्ट में जब मैं देने गया तो वहाँ पर जो है पैन अलाउ है, मतलब पेन थे ही नहीं, मतलब आस पास भी ऐसी शॉप नहीं थी कि आपको हाँ दूर जाके लेके आना पड़ता, सुबह का टाइम भी हो रहा था, संडे था, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, पेन ज़रूर लेकर जाएँ, ठीक है। ओरिजिनल NIC या आपका लेटर और पेन, इसके अलावा कुछ भी अलाउ नहीं था, ठीक है। पर जैसे कि आपने देखा आपका टाइपिंग टेस्ट के सिंपल सॉफ्टवेयर नहीं होते, टाइपिंग टेस्ट के आपके गूगल पर सर्च के आपको मिल जाएंगे, तो सिंपल 5-10 मिनट का उसमें टाइमर अच्छा लगाते हैं, सिंपल वो सब 10 मिनट का टेस्ट उन्होंने लिया हमसे उस सॉफ्टवेयर पर, ठीक है। तो 8वें नंबर पे कोई था, थोड़ा बहुत हिस्ट्री था, हिस्ट्री ज़्यादा नहीं था, कुछ 2 मात्रा डेट आई थी, इंग्लिश का पैराग्राफ है, ठीक है। इंग्लिश में होता है पर उर्दू में नहीं होता, ठीक है। तो इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट था 10 मिनट का, 10 मिनट का टाइम दिया आपने वो कर दी, उसके बाद आप कीबोर्ड छोड़ दें, 10 मिनट होते ही आपका रिजल्ट जो है वो आपका आउटपुट जो है स्क्रीन पर आ जाएगा, ठीक है। तो स्क्रीन पर आ जाएगा, आप कीबोर्ड छोड़ देना, वो आके आपकी पिक्चर लेंगे हर स्टूडेंट की, अपनी LCT पर जो आपका आया होगा रिकॉर्ड, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें आपका ड्रॉ स्पीड आती है, ठीक है, आपकी एक्यूरेसी आती है, नेट स्पीड आती है और ग्रॉस स्पीड आती है, और ग्रॉस स्पीड आती है, ठीक है। और ग्रॉस हिट आते हैं, एरर हिट आते हैं और नेट हिट आते हैं, ठीक है। तो मेरी जो ग्रॉस स्पीड थी वो 41 WPM थी, ठीक है, एक्यूरेसी 85% थी और नेट स्पीड थी 35 WPM, ठीक है। और ग्रॉस हिट अगर 2062, एरर हिट 290 और नेट हिट 1772, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन वगैरह किस तरीके से होती है, आप गूगल पर सर्च कर लेगा, आपके मिनिमम जो एक्यूरेसी, ठीक है, आप टाइपिंग स्पीड तेज़ हो लेकिन आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। आप फाइलर का तेज़ स्पीड टाइप करो लेकिन एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें, टाइपिंग ठीक है ज़रूरी है, खासतौर पर इंग्लिश की ज़रूरी टाइपिंग है, ठीक है। उर्दू प्लस पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर जो आपको टेस्ट हुआ तो इंग्लिश का होता है, ठीक है। तो 41 WPM स्पीड मेरी थी, 35 एक्यूरेसी थी, 35 नेट स्पीड थी मेरी, ठीक है। तो ये आप हर बच्चे का 10 मिनट का टाइम दिया जाता है, उसका स्क्रीन आता है, वो उसकी पिक्चर लेते हैं और प्रिंट भेजते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक टेस्ट हो गया, उसी के 5 मिनट बाद वो आपको एक पैराग्राफ बोलते हैं, उसमें आपने शॉर्ट हैंड राइटिंग करनी होती है, ठीक है। उस पैराग्राफ को आपने शॉर्ट हैंड राइटिंग में लिखना होता है। अब शॉर्ट हैंड राइटिंग क्या होती है, आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर लें, शॉर्ट हैंड राइटिंग का एक बकायदा से कोर्स होता है, ये भी आपको सीखना पड़ेगा, जिस तरीके से आप MS ऑफिस सीखते हैं उसी तरीके से आपको शॉर्ट हैंड राइटिंग का भी कोर्स करना चाहिए, ठीक है। मुझे फिलहाल अभी शॉर्ट हैंड राइटिंग आती नहीं है, मुझे खुद सीखनी है। तो वहाँ पे टाइपिंग टेस्ट के बाद शॉर्ट हैंड राइटिंग का टेस्ट था, ठीक है। तो इसमें होता ही है कि अगर पाकिस्तान लिखा है तो पूरा एक वर्ड में आपको लिख देगा पाकिस्तान, ठीक है। तो ये अब मुझे आइडिया नहीं इतना ईजी है या मुश्किल है, लेकिन आप लिख करें कोई मुझे भी करना, ठीक है। तो ये काम आती है अगर आप गवर्नमेंट जॉब का खास अप्लाई करें तो आपको ये
शॉर्ट हैंड राइटिंग और टाइपिंग आनी चाहिए, ठीक है, टाइपिंग और शॉर्ट हैंड राइटिंग का टेस्ट हुआ, ठीक है। अब शॉर्ट हैंड राइटिंग में उन्होंने 4 से 5 लाइनें बोली, वो आपने लिखनी होती है, ठीक है, और उसके बाद उसी शॉर्ट हैंड राइटिंग जो आपने लिखा होता है उसी को आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, ठीक है। तो ये आपका होता है ओवरऑल टेस्ट में, और कुछ नहीं होता, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट, फिर आपको पैराग्राफ बोलते हुए आपको सुन के आपको उसको शॉर्ट हैंड राइटिंग में लिखना होता है। शॉर्ट हैंड राइटिंग में ये नहीं कि शॉर्ट अल्फाज में, शॉर्ट हैंड राइटिंग का अलग से कोर्स है, नेट पर सर्च करें, बिल्कुल ही चेंज होते हैं, बट ठीक है। तो वो आपने लिखना होता है, फिर उसके बाद 2-3 मिनट का टाइम दिया जाता है उसी पैराग्राफ को, 3 से 4 लाइन का होता है, उसी को आपने इंग्लिश में लिखना होता है। आपको बोलते हैं राइटिंग स्टॉप करना, स्टॉप करने के बाद आपको पेपर, दोनों पेपर को स्टेप करते हैं, एक जो आपने टाइप टेस्ट दिया था उसको स्क्रीन पर जो आउटपुट आया था वो, और दूसरा जो आपने टेस्ट दिया था, ठीक है, दोनों को स्टेप करते हैं। और फिर आप अपने स्टैंडर्ड जो टीचर होते हैं उनको देखते हैं, वो चेक करने सपोर्ट करते हैं, और फिर बोल सकते हैं आप जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका स्टैंडर्ड का टेस्ट होता है, ठीक है। तो वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों को पता चल जाए कि स्टेनो टाइपिंग के टेस्ट में क्या होता है। अब मुझे शॉर्ट हैंड राइटिंग आती नहीं है, ठीक है, तो मुझे भी सीखनी पड़ेगी। तो आप चलते हैं इसकी वेबसाइट की तरफ, ये इसका मैं आपको बता चुका हूँ, ये वेबसाइट है और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे इनका रिजल्ट आता है, ठीक है। तो www.pendurativesurvey.org, ये मैंने वेबसाइट खोली हुई है यहाँ पे। ठीक है, देख सकते हैं आपकी वेबसाइट है यहाँ पर इनको दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कस्टम हाउस है, यहाँ पर टेस्ट हुआ था, ठीक है, ये बोल कस्टम हाउस, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसेंटली जो अभी मैं टेस्ट पे किया हूँ वो गायब हो चुका है, LDC का भी मैंने टेस्ट दिया, मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। और अब रिसेंटली देखने भी ट्रैवर्स की आई हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से जो राइटर्स भी आई हुई, ड्राइवर्स की आई हुई, ठीक है। तो दूसरा वैकेंसी थी जिसके रिजल्ट आ चुके हैं लेटर के, और अब एंट्री टेस्ट चल रहा है, ठीक है, जो हो चुके हैं यहाँ से गायब हो गए, ठीक है। तो करंट अपडेट चल रही है यहाँ पे, नेक्स्ट टाइम आप देख सकते हैं जब भी आए तो आप ज़रूर अप्लाई करें, काफ़ी काफ़ी मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगा है ना, तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें। इसमें रनिंग टेस्ट वगैरह कुछ नहीं था, ठीक है, तो इस पोस्ट में ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है। तो ये इसकी वेबसाइट है, यहाँ पर आपका रिजल्ट, अगर आप लेटर नहीं है तो इस वेबसाइट पर जाएँ, जो पोस्ट आ रही है उस पर आप जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखें आप, मैं यहाँ जाता हूँ जो आप क्लिक करो टाइप कर चुकी है, यहाँ से भी जाकर आप सर्च कर सकते हैं। और करंट जो है अभी जैसे कि मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे, यहाँ पे अगर आपने LDC में अप्लाई किया था और आपका नाम, अगर आपका लेटर नहीं आया तो यहाँ से कंट्रोल एफ दबा के अपना नाम सर्च कर सकते हैं। अपना नाम सर्च कर रहे हैं, अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका नाम आया है, समझ जाए कि आपका नाम आया है लेकिन आपका लेटर नहीं आया, तो आप उसके लिए आपका नाम अगर ये है तो आप इस पेज को कॉपी करें, प्रिंट निकालें और वहाँ ले जाएं, बोलेंगे लेटर नहीं आया और इनको दिखा दें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लेटर नहीं आया, आपका नाम आया हो, तो बेहतर ये है कि आप वेबसाइट पर जाके इसको सर्च करें, ठीक है। तो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि नेक्स्ट टाइम जो भी अप्लाई करें और एसटीएनओ टाइपर्स को उसको मालूम नहीं है, यूट्यूब पर सर्च करके उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि एसटीएनओ टाइपर्स का टेस्ट में होता क्या है, ठीक है। तो अगली वीडियो में आप लोग बताऊंगा कि इसका UGC के बारे में, मैंने उसमें भी आप जरूर देखिएगा, उसमें मैं आपसे भी शेयर करूंगा क्या टेस्ट में वाकई अनएक्सपेक्टेड है, वो जरूर देखिएगा आप। और एक चीज़ मैं ऐड करता चाहूँ कि वीडियो में कुछ बातें जो है वो शायद मैं कन्वे ना कर पाऊँ, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो सीनियर बंदे हैं जो टेस्ट दे के आए तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो कन्वे में बताएं अगर कुछ वीडियो में रह गई, और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें टेस्ट के बारे में, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये, जो वीडियो देख रहे हैं वो एटलीस्ट एक मरतबा कमेंट को भी पढ़ लें, तो क्या पता कमेंट में कोई बात ऐसी डिस्कस की हो जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।